बाऊ जी सही टाइम हो गया 11 बज गए ने। ठीक है अद्धी रात नूं केड़ा चन नजर आया मैं वो ही दसना पिया सारी वाम करा सुते भी सही शाम दे इशा दे दौरान दे पता लग जांदा हूं मैं शुरू तो लैके इवें मेरी उम्र हो गई जेड़े आप आड़ा महीना दादा पैना हां इस बात चन उदो चढ़या तो मैं आज देखा वेख्या जदों मैं उस काम करदा पिया फिर वो चन जेड़ा मैं देखा वेख्या मैं उदो जांदा पिया टाइम हो गया सत्त बज के कुछ मिनट हो चले तो मैं टाइम वेला पे चन चढ़ पिया फिर मैं जाके उत्थे हाफ अधिकारी नूं पुछिया मैं उन्हें कहा जी तकरीबन 22 नूं ना सी 23 तरीक नूं पहला रोजा होना ते 23 नूं ना रोजा कर दिता है 23 तरीक आ दिन हो भी पता चलिया तो चन चढ़िया फिर सी ना ते कोई चन नहीं चढ़िया तो रोजा किहड़ा कित्थों आ गया ਉਹਨਾਂ ਲਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਲਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾ ਪੈ ਹੀ ਚੰਚੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾ ਪਾਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਪਾੜੇ ਤਰਾਬੀਆਂ ਪੜੇਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰਾਬੀਆਂ ਪਾੜ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੋਰ ਵੀ ਲਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਸਵੇਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੜ ਚੜਿਆ आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अमूमन पाकिस्तान के अंदर रमजान का जो चांद होता है उसको देखने के लिए थोड़ा तरीक़ेकार जो है वो मुख्तलिफ होता है क्योंकि अमूमन हम भी आप भी रात को तकरीबन सो रहे थे और अचानक जी रात को 11 बजे लान हो गया कि जी चांद नज़र आ गया और सुबह पहला रोज़ा होगा तो जो लोग इस तरह की सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल होगी फिर चांद को देखने के लिए तो पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा और जामा प्लान होना चाहिए ताकि आइंदा या फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान को ऐसे मसलों के अंदर नापना पड़े। पिछले साल ये हुआ था रात को तरावियाँ पढ़ ली थी रोज़े की नियत वगैरह जो थी वो वाम ने की हुई थी और रात को 10 बजे जी चांद नज़र आ गया और सुबह ईद हो गई कुछ इस तरह से पिछला साल हुआ था और जो इस साल हुआ है वो तो और ही मुख्तलिफ हुआ कि रात को तकरीबन 10:45 पे सारी काम जो थी वह सुकून से सो रही थी और अचानक लान हो गया जी हमें रमज़ान मुबारक का जो है चांद नज़र आ गया है। लेकिन ये हमें गौर और फिक्र करने की चाहिए कि यार दूसरे ममालों के अंदर ये रोड़ा या ये मसला नहीं बनता सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही क्यों बनता है। कुछ जो मुल्क हैं यानी कि यूरोपियन कंट्री हैं वो तो पहले एक माह पहले ऐलान कर देते हैं कि फलां तारीख को आपका रोज़ा होगा और आपने जी रोज़ा रखना है। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक पूरी पूरी रात इंतज़ार ना करना पड़े तब तक कोई चांद का प्लान नहीं होता। ये सिर्फ रमज़ान की बात नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर वैसे एक जामिया प्लान होना चाहिए कि रमज़ान मुबारक का खासकर जो होता है इसका हर पाकिस्तानी के सब्बे सबरी से इंतज़ार होता है और दूसरे भी इस्लामी महीने होते हैं जो चांद देखने के लिए अहमियत के हामिल होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा और जामिया प्लान होना चाहिए ताकि ये फ्यूचर के अंदर हमें ऐसे कोई मसले ना हो कि चांद देखने के लिए जी रात को 12 बजे लान हो रहा है या सुबह लान हो रहा है। तो यार एक चांद की एक टाइमिंग होती है लेकिन अमूमन तो ये तो जिस टाइम पे अब लान हुआ है ये तो खलीजी ममालिक का यानी कि अरब ममालिक का था चांद तो पाकिस्तान के अंदर आ गया तो वल्ला आलम बाकी रब बेहतर जानता है कि क्या सीन है। लेकिन यासर भाई जो इस वक्त हुए थे यासर भाई की कमेंट और बाकी लेबर के भी तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर यार एक जामिया प्लान की ज़रूरत है और एक अच्छा तरीक़ेकार होना चाहिए जो चांद को लेकर आगे चले और सर्वाइव करें ताकि आइंदा से हमें ये ऐसे मसले ना देखने को मिलें। हाँ जी बल्लू जी सोचा लग गए दसो सरदार साहब रात के चंद के बारे दसो कोई तो तू कड़ी गाल क्डनिया ने सारी गाल टारगेट पिंदा रे दादे नु उठ के वासियां ले जा ए तो ए रोजा लग गया बल्लू नु अज हां जी लग गया के सरदार साहब कुम्मी लगी कि नहीं नाल आते चल पता नहीं ता मांग दी क्यों दा रात चढ़ने बारे दसो ठीक है
ਟਾਈਮ ਬਾਰਾ ਬਾਜ ਗਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਐਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਗੀ ਸਾਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ